नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 18 अगस्त को होने वाली महापरिवर्तन रैली के लिए न्योता देने पहुंचे। फतेहाबाद में निर्दलीय विधायक रहे पूर्व CPS प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा की ओर से फतेहाबाद में अनाज मंडी शेड के नीचे आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की और वहाँ पर फतेहाबाद के लोगों को 18 अगस्त में महापरिवर्तन रैली में न्योता दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस की गुटबाजी भी सरेआम दिखी। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर पत्रकारों पर भड़क गए। हुड्डा ने उखड़े हुए लहजे में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के संबंध में पूछे गए एक सवाल पर हुड्डा ने मोदी लहर और राष्ट्रवाद को इसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ही नहीं बल्कि कांग्रेस पूरे देश में हारी है। सोनिया गांधी को कांग्रेस की कमान दिए जाने के बाद हालात में सुधार होने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को कमान देने से आज के कांग्रेस के हाथ बदलने की उम्मीद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 18 अगस्त को रोहतक में होने वाली महापरिवर्तन रैली के लिए कांग्रेसियों के साथ साथ भाजपाइयों को भी न्योता दिया जो इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं। पलपल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। उसके लिए निमंत्रण लेने आया हूँ फतेहाबाद में, सभी साथियों को कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी है यहाँ साथियों ने, तो वहाँ जाएंगे हम, क्योंकि वो रैली जो है इस वास्ते की कुछ साथियों की सलाह हुई थी, ये 5 साल की सरकार को होगी, मौजूदा सरकार को इसने 154 वायदे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। आज किसान मजदूर गरीब आदमी व्यापारी कर्मचारी हर वक्त परेशान है। किसान कर्जे में डूब गया, लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई किसान। गरीब आदमी के 3,82,000 रुपये की प्रॉब्लम है, 3,01,000 एक नहीं किया। व्यापारी वैसे परेशान है, वो कहता है हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं, कभी GST कभी नोटबंदी। सरकारी कर्मचारी सड़कों ही पर है, सेवन पे कमीशन लागू कर दिया, HRA दिया नहीं, 6,000 करोड़ का तेरे कानून व्यवस्था बिल्कुल शर्मा आ गई प्रदेश की, ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं प्रदेश में। और 3 कत्ल रोज के बलात्कार, विरोधियाँ, डाका आम हो गया है और हर व्यक्ति अपने आप को ऐसे रिश्ते महसूस कर रहे हैं। ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों की बात करती यही सलाह करी थी, टाइम आ गया इस सरकार को दरवाज़ा दिखाने का, उसके लिए परिवर्तन रैली महापरिवर्तन रैली बनाई जा रही है और वहाँ इस सरकार से लोगों को कैसे निजात दिया जाएगा, ये सब खुलासा 18 तारीख को ही होगा। उड़ा ये एक प्रश्न में प्रहलाद जी भी उठा रहे हैं अपने सभाओं में भी, अब पार्टी का वोट नहीं रहा, फेस वैल्यू राजनीति में इम्पोर्टेंट हो गई है, चेहरे का वोट है, अगला इलेक्शन हुड्डा बनाम खट्टर होगा, चेहरा भी मैटर करता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, अगला हरियाणा का हुड्डा बनाम खट्टर होगा, चेहरा भी मैटर करता है। बात यह है कि जो लोकसभा के इलेक्शन में दूसरी बात थी, मुद्दे दूसरे थे, हमारे हरियाणा विधानसभा के उसमें मुद्दे दूसरे हैं। इस सरकार की 5 साल की उपलब्धियाँ एक तरफ हैं और हमारी जो 10 साल की उपलब्धियाँ एक तरफ, वो तोलेंगे लोग, वो तोलेंगे। क्या ये रैली चेहरा बदलने के लिए की जा रही है? क्या ये रैली संगठन का चेहरा बदलने के लिए की जा रही है? तो जिसका मैंने कहा ना, हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है ये, इनके कोई जवाब नहीं होता। रैली कर रहे हैं हम परिवर्तन आने की, सरकार को धक्का देने, ये मान ले अब नई पार्टी छोड़ रहे कांग्रेस में रहेंगे, मैंने कह चुका है जवाब दे चुका हूँ, हाइपोथेटिकल सवाल हमें जवाब नहीं सकते। सर इस सवाल का जवाब तो आज आप अखबारों में आपका ध्यान है कि मैं कांग्रेस पार्टी में, आज कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, दिखा नहीं आपने जन क्रांति यात्रा करी थी, तो हाइपोथेटिकल सवाल का क्या जवाब दूंगा मैं? सब धारा 370 पर कांग्रेसी अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो प्रजातांत्रिक पार्टी है, जो मेरा विचार था वो हमारा राष्ट्रपति का विचार था, विधानसभा में हमने स्टैंड लिया, उस पर हम है कांग्रेस में तो है सर, लेकिन क्या कांग्रेस से संतुष्ट है जिस तरह से गतिविधियां रही हैं पीछे, खासतौर से प्रदेश का? आप अपने जो अखबार से संतुष्ट है ये कोई सवाल थोड़ा ही है सर। रोहतक में पूरी कांग्रेस एक मंच पर दिखेगी, पूरी कांग्रेस हरियाणा जो जो भी कांग्रेस में जो भी सरकार
से परिवर्तन चाहता है, इसको धक्का देना चाहता है, सभी निमंत्रण सभी को ऐसे भाजपा वाले भी आ जाओ जो सरकार से निजात चाहते लोग। रंजीत सिंह जी का भी बयान था कि महागठबंधन की कोशिश कर रहे हैं वो, ऐसा कुछ संभव लगता है आपको जी भाजपा के खिलाफ? महागठबंधन का सवाल नहीं है, लेकिन जो जो विचारों की समानता हो जिस दोनों में उनसे बात हो सकती है, लेकिन अभी कोई आप नकार नहीं रहे, अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की इतनी दुर्गति क्यों हुई? हरियाणा में नहीं, सारे देश में कांग्रेस आ रही है क्योंकि छदम राष्ट्रवाद और मोदी लहर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जो हुड्डा जी के हाथ में कमान होती तो रिजल्ट कुछ और होते। कोई आई पॉलिटिकल बातें करते, छदम राष्ट्रवाद और मोदी लहर। कमान सोनिया जी के हाथ में आने से कुछ हालात बदलेंगे? देखिए जो मौजूदा हालात थी कांग्रेस की उसमें ये जो सोनिया जी को बनाया उन्होंने ठीक फैसला दिया। सर एक राजनीतिक चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि अलग पार्टी बनाए। वो कौन क्या चाहता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपसे भी चर्चा हुई थी ठीक है ना। इनेलो के सारे विधायक छोड़ के बीजेपी में चले गए, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो पहले से था, जब पिछले 2014 में इनेलो को मुख्य विपक्षी दल चुना था लोगों ने, लेकिन चुनाव के बाद एक साल के बाद इनका था विधानसभा में जिस तरह का व्यवहार, उसी टाइम मैंने कहा था ये मुख्य विपक्षी दल नहीं मुख्य सहयोगी दल है। आपको याद होगा कई बार आपने पूछा होगा इस सवाल में, तो वो सिद्ध हो रहा है जो मैंने बात की।